जयपुर के 22 गोदाम इलाके का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर टीकाकरण का काम हो रहा था और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हमेशा यहां पर आकर टीका लगवाते थे। हर रोज करीब 300 से 400 लोगों को यहां पर टीका लगवाया जाता था, कोरोना वैक्सीन लगवाया जाता था। सभी जानते थे कि महामारी के इस दौर में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है। और नहीं होने का केवल यही एक कारण है कि राजस्थान में अब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीके ही ख़त्म हो गए हैं, यानी कि अब टीके की एक डोज भी नहीं बची है। कई लोग सुबह यहाँ आए, खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भले ही 2-3 घंटे लंबे लाइन में खड़े हो जाएंगे लेकिन टीका लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज टीकाकरण नहीं हो पाएगा और जब तक टीके नहीं मिल जाते तब तक यहाँ पर टीकाकरण का ये काम शुरू नहीं होगा। मैडम, आज टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा है? वैक्सीन नहीं है बोल रहे थे हमारा अधिकारी। एक तो रूटीन टीकाकरण होता है गुरुवार के दिन, हर बच्चों को, पेट वाले औरतों को, जो उसी वजह से भी कभी कभी क्या है टीकाकरण गुरुवार के दिन या भीड़ होती है फिर, और वैसे आज वैक्सीनेशन नहीं है। तो लोग बहुत सारे आ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। उनको सुबह 8 बजे से आते रहते हैं, हम परेशान होते हैं, बोलते पड़े, उनको भी सेटिस्फेक्शन करवाना पड़ता ही है। कोई कोई गुस्सा करते हैं, हम दूर से आते हैं, हमारे सेकंड डोज की टाइम निकल गया, ऐसे ऐसे कहते हैं, फिर भी हमको तसली से उनको समझाना पड़ता है। फिर वो निराशा होकर चले भी जाते हैं, क्या करें, कल के लिए हम बुलाऊँ, हो सकता है कल वैक्सीन नहीं आए तो हम भी क्या कर सकते हैं। इसलिए हम संतुष्टि के लिए फिर अधिकारी के पास भेजते हैं, डॉक्टर सुशीला चौधरी मैडम है, वो समझाते हैं, फिर कुछ लोगों को वो समझा के भेजते हैं फिर। तो आपने अपने ऑफिसर को बताया कि यहाँ टीके खत्म हो गए, कब आएंगे? तो क्या वही तो भेजते हैं, यहाँ ऑफिसर ही भेजते हैं, आगे डॉक्टर बैठते हैं डिस्पेंसरी में, वही भेजते हैं, वही हमको रिपोर्ट भेजते हैं, मतलब ऑर्डर भेजते हैं। सर एक मिनट, आप तो 60 साल के आसपास हैं सर, बड़ी उम्र के, अगर टीके नहीं मिलते तो आपको परेशानी होती है क्योंकि लॉकडाउन है, बड़ी मुश्किल से आप जैसे कई लोग आते होंगे। बस आते ही हैं सर, क्या करें, जब सरकार टीके नहीं लग रहे तो क्या करें, कर्मचारी भी करे ही क्या, टीके नहीं है, आप आधा क्या आएगा अधिकारी अपना है बात करो ना। ये लोग हैं यहाँ पर मजबूर हैं क्योंकि टीके जब आएंगे तभी लगाएंगे। हमेशा सुबह सुबह आ जाते थे लोगों की सहायता करने, कोरोना वॉरियर के रूप में ये लोग हेल्प करते थे, लेकिन अब राजस्थान में टीकों की कमी हो गई। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान सरकार के आंकड़ों की बात की जाए तो 45 साल से अधिक उम्र के करीब 37 लाख से ज़्यादा लोग अभी हैं जिन्हें ये टीका का दूसरा डोज लगना है, लेकिन टीके कब आएंगे यह तो केंद्र सरकार पर ही निर्भर करेगा क्योंकि इन लोगों के लिए जो टीके आ रहे हैं वो केंद्र सरकार खरीद कर भिजवा रही है। हालांकि अभी अच्छी बात यह है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जो टीके राजस्थान सरकार ने अपने बजट में से यानी 3,000 करोड़ रुपए में से खर्च किए हैं वे टीके राजस्थान में लग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से मिलने वाले टीके अभी तक राजस्थान में नहीं पहुँच पाए और यही कारण है कि आज ये टीकाकरण केंद्र पूरी तरह यहाँ पर सूना नज़र आ रहा है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।